वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे को लेकर वसंत कुंज के साउथ दिल्ली स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। साथ ही साथ RWA के लोगों को भी जागरूक किया गया। खास तौर पर हाई BP के जो बीमार के जो लोग हैं वो बेहद ज़्यादा चपेट में आते हैं। हाई BP वो खतरनाक बीमारी जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है और आंकड़े दिखाते हैं हम किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो है डॉक्टर तपन घोष जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, साथ ही साथ किस तरीके से लोग इससे जूझ रहे हैं और कितना खतरनाक होता है ये, इसके बारे में यहाँ पर RWA के लोगों को बताया गया। RWA के सांसद वसंत कुंज के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने जाना भी, एक डॉक्टरों से सलाह भी ली, डॉक्टरों से सवाल और जवाब भी मिलते गए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जहां पर मीडिया के लोग तो थे ही थे, साथ ही साथ यहां पर वसंत कुंज के तमाम लोग थे, कई RWA के लोग यहां पर पहुंचे। और साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं इसमें लगातार जो काम करती हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से, लेकिन डॉक्टर तपन घोष क्या बता रहे हैं आइए वो सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को बताया जा रहा है कि कितना रिस्क होता है इन बीमारियों को लेकर, क्योंकि हाई पेपर जो टेंशन डे जो है वो एक बीमारी नहीं, साथ ही साथ किससे बचा जा सकता है उसके बारे में भी डॉक्टर तपन घोष ने बताया कि किस तरीके से आप हाइपर टेंशन जैसी जो बीमारी है, जो क्योंकि हाई BP होने वाले लोग किस तरीके से अपना BP कम करें बिना दवाई के, उसके बारे में भी यहां पर लोगों को बताया गया। लेकिन जिस तरीके से यहां पर जो सीनियर सिटीजन लोग पहुंचे थे उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है, ये बेहद खास ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो है इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग भी जो है वो भी आते हैं, जिनके साथ जो हाई BP लोग हैं वो आते हैं, तो इसी चीज़ों की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सभी लोग हैं डॉक्टर तपन घोष को सुनते हुए आ रहे हैं। और सोनी रुचि तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताजा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। वहीं हाइपरटेंशन डे के कार्यक्रम में आपको बता दें इसमें पार्टिसिपेट किया है प्रोटिप सीनियर प्रोवाइड सर्विस ने, जी हां इनकी जो CEO हैं मिस ननकी एल सिंह वो भी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जी हाँ, ननकी एल सिंह ने बताया कि वो लगातार जो है जो सीनियर लोग हैं उनको किस तरीके से उनकी जो कंपनी है किस तरीके से सर्विस दे रही है, चाहे वो नर्स की बात हो चाहे और भी जिस तरीके की जो फैसिलिटी हो वो उनको दी जा रही है। जी हाँ, सीनियर सिटीजन को किस तरीके से घर में देख रखाव के लिए जो लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो भी इस कंपनी के द्वारा दी जा रही है, और लगातार जो है हॉस्पिटलों के साथ मिलकर इस तरीके का जो कार्यक्रम है उसमें भी ये जो संस्था है वो भाग ले रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पोर्टेबल सीनियर प्रोवाइड जो सर्विस है ये दी जा रही है, सीनियर सिटीजन को देती सर्विस जो है वो दी जाती है, यहाँ पर नर्सिंग एंड अटेंडेंस सर्विस जो है वो यहाँ पर मिलती है। और बकायदा यहाँ पर जिस तरीके से जो डॉक्टर तपन बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं उसके बारे में आइए हम आपको सुनवाते हैं। मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, दीज आर टेकन फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, दीज आर द स्टेप्स, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, डाइट, एक्सरसाइज, ओबेसिटी कंट्रोल एंड स्मोकिंग सेसेशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज 80 व्हेन इट इज बिकम 120 टू 129 एंड लेस देन 80 इट इज एलिवेटेड। सो मोर देन 120 ब्लड प्रेशर इज द हाई ब्लड प्रेशर, 130 इज हाइपरटेंशन, दिस इज एज पर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस 130-85, बट हियर वी प्रैक्टिस यूरोपियन गाइडलाइंस, सो वी टेक इट 140-90, बिकॉज इफ वी स्टार्ट गिविंग lose weight, how much blood pressure control, it is a hypertensive 5, potassium lowers the blood pressure, so low sodium in the diet, high potassium in the diet will lower the blood pressure to the tune of 5 to 6 millimeter mercury. Physical activity, very very important, aerobic exercise, resistance exercise, isometric resistance exercise, all of them can give rise to 5 to 8 millimeter drop in blood pressure, so exercise should be done. Moderation in alcohol intake, alcohol should be moderated. Those people who don't drink should never start drinking alcohol, because alcohol has a pressure effect. It increases the blood pressure. And in alcohol does not protect even rates, and blood pressure medications are recommended at this. That's for the management. That's the management. Please hit your button. He knew that he's going to fire. All these people are going to die. And
standing there, he is teaching Bhagavad Gita. So please remember what kind of brain he had. What a calm mind. Bhagavad Gita in one's lifetime, one cannot read and understand. But then he was teaching, recalling. And about Bhagavad Gita, it is told in the Sarva Upanishad, the Gava, Dogdha, Gopalananda. That means the milk. Right? Bhagavad Gita is the milk. And whole Upanishad are the cows. So that means Lord Sri Krishna. देखिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसको मनाने का ये मकसद होता है कि आम लोगों में ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता पैदा हो। ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छा से डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगा, यानी कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, किडनी अटैक कम होंगे। सो इसी के कारण हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हर आदमी जिसका भी हाई ब्लड प्रेशर है उसको अर्ली डिटेक्ट करें और उसके ट्रीटमेंट ठीक से करें, सही तरीके से करें एंड उसको लॉन्गेविटी बढ़ाएं। इसलिए इस साल की जो आपका वो है मकसद या जिसको कहते हैं कि थीम है, इस साल की थीम है मेजर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लीव लॉन्गर। सो ये तीन जो चीज़ है, इन तीन चीज़ों में बताता है कि भाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब है। अगर सर आंकड़ों की बात की है, किस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऊपर बताया कि छोटे से लेकर बड़े एज के ग्रुप के लोग, किस तरीके से आंकड़ों की बात अगर किया जाए तो ऑलमोस्ट 30% हमारे इंसिडेंस है ब्लड प्रेशर की। दैट मीन्स 1 in 3, हर तीसरे व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर आप प्री हाइपरटेंशन की बात करें, जैसे ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है जो होते हैं, 120 से 139, इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 50% पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स आर प्री हाइपरटेंसिव। और 1 in 3, मतलब हर तीसरे व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर है। और 359 मिलियन पीपल इंडिया हैज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे बहुत बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर है इंडिया में। सर हाइपरटेंशन प्रोफाइल जो है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं हाइपरटेंशन प्रोफाइल में? हाइपरटेंशन प्रोफाइल में ऐसा करके टेस्ट तो प्रोफाइल बनाया जाता है कि हम ब्लड प्रेशर के लिए जनरली हम करते हैं सीबीसी ब्लड के टेस्ट, शुगर के टेस्ट करते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, सो लिपिड प्रोफाइल की ज़रूरत है, किडनी फंक्शन की ज़रूरत है, ECG किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है। सो ये सब एक साथ करके फिर ब्लड प्रेशर की जो ट्रीटमेंट किया जाता है। के अलावा किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए अगर बिना दवाइयों की बात? बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट जो है उसकी ट्रीटमेंट का नाम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। ये बहुत अहम बात है एंड हर इंसान को इसकी जानकारी होनी चाहिए। डाइट जो है उसको अगर चेंज करें, दो टाइप की डाइट है जो एस्टेब्लिश्ड है कि ये ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकता है, इसको ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकता है। 5 से 10 मिलीमीटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे करता है ये। वो क्या है? डैश ईटिंग प्लान। डैश मींस डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH, डैश ईटिंग प्लान। सो व्हाट इज डैश ईटिंग प्लान? इट इज ईटिंग मेनी टाइम्स अ डे, एटलीस्ट 5 to 6 सर्विंग्स अ डे, ग्रेन सीरियल्स खाना, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, मैदे आटे और ये जो आपके आलू ये सब कम खाना है, चावल कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखना है, तेल कम खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है और पोर्शंस में खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स, एटलीस्ट 5 to 6 सर्विंग्स, 5-6 बार खाना है, वही खाने को छोटा छोटा करके। सो दीज आर कॉल्ड डैश ईटिंग प्लान, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा हो उसमें। और एक है मेडिटेरियन डाइट, जो मेडिटेरियन बेसिन में जो लोग हैं उनकी डाइट है। उस डाइट की मतलब ये है कि उसमें एनिमल प्रोटीन्स कम होते हैं, फ़िश होते हैं, फिश प्रोटीन होते हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन सीरियल्स होते हैं। और ये जो मेडिटेरियन डाइट है उसमें ये भी है कि फैमिली का साथ खाना, एक साथ बैठ के खाना, ये भी एक अहमियत है। सो ये अगर 2 पैटर्न ऑफ डाइट आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम हो जाएगा और इससे बहुत सहायता मिलेगा। ये छोड़ के और काफ़ी चीज़ होते हैं लाइफ स्टाइल, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग, सॉल्ट, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग,
तो स्लीपिंग 7 आवर्स से डे, 7 घंटा सोना, अर्ली सोना, इसके बाद एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मतलब है कि आप 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग। वो कैसे करेंगे, 3 फेसेस में, वार्म अप, पिक एक्सरसाइज, कूल डाउन। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएं, धीरे धीरे कम करें, अचानक दौड़ना शुरू ना करें। टाइम देना चाहिए 30 से 40 मिनट। सॉल्ट कम खाना चाहिए, नमक जो है 5 ग्राम से ज़्यादा, 1 चम्मच नमक में एक आदमी का पूरा दिन चलता है, पूरा खाना उसी में आप पकना चाहिए। घर में 2 लोग हैं तो 10 मिलीग्राम, दैट मीन्स 2 चम्मच खाने से सारा खाना पकना चाहिए। तेल जो है वो 30 ml से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए 24 घंटे में। किस तरीके से आज आप लोग फोर्टिस के साथ जुड़कर किस तरीके से लोगों के साथ काम कर रहे हैं? हम फोर्टिस के साथ बहुत महीनों से जुड़े हुए हैं टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स का जो पोस्ट एक्यूट केयर होता है हम उसमें हेल्प करते हैं, विच मीन्स क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है एंड आई थिंक हाइपरटेंशन इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। उसको मैनेज करना इन सीनियर सिटीजन्स अलॉन्ग विद अदर डिजीज़ प्रिवेंट करना इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। अक्यूट केयर तो आई थिंक फोर्टिस जैसे लास्ट चेंज करते ही हैं, बट द सब अक्यूट केयर सेगमेंट इज़ एक्चुअली वेरी इग्नोर्ड अमंग सीनियर्स। दे डोंट रियली लुक आफ्टर देमसेल्व्स अनलेस समथिंग हैपन्स, यू नो, देयर इज़ अ स्ट्रोक और इफ देयर इज अ सर्जरी दैट टेक्स प्लेस। We have to make senior citizens understand and the family members understand that the post-acute care and sub-acute care is what we call therapy and rehabilitation, and getting them to live the best independent life that they can post an event is very, very important. Hum usi pe focus karte hain, and not just chronic disease management, we also take care of wellness, social and mental well-being, मेमोरी केयर, डिमेंशिया जैसी डिजीजेज जो पूरी फैमिली को लेके चलती हैं। तो फैमिली को मैनेज करना, कैसे सीनियर सिटीजन को मैनेज करना जिनको अगर डिमेंशिया हो गया एंड एडवांस स्टेज डिमेंशिया हो गया, एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ हैप्पीनेस क्वोशेंट ऑल्सो जो हमारे साथ चलता है, वेलनेस एंड सोशल वेलबींग एंड यू नो टू बी एबल टू लिव द बेस्ट हैप्पी लाइफ दैट दे कैन इन देयर सिल्वर इयर्स इज़ आर गोल। And that's why we call ourselves Pro Tribe Seniors, a professional tribe to take care of seniors is what our logo is.